हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे आरएस 200 के हाइट को लेकर के कि इस पे कौन कौन से हाइट के बंदे इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं और दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हाइट को लेकर के बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है बाइक खरीदने से पहले कि मेरा हाइट उस बाइक के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। कि अगर बाइक की बात करूँ तो बाइक पे हाइट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप बहुत ऐसे जगह जाओगे जहाँ पे कि बाइक को पीछे करना होता है, वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा वगैरह वाला जगह रहता है, जैसे अभी यहाँ पर भी गड्ढा है, तो यहाँ से अगर आपको बाइक बैक करना होगा तो बाइक को बैक करने के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अगर आपका पैर जो है अच्छे तरह से नीचे नहीं जाएगा तो आप बाइक को बैक नहीं कर सकते हो। तो आज के जिस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे आरएस 200 पर बाइक कंपेरिजन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ दो चार बंदे हैं जिनका हर हाइट का मैं बंदे को जुगाड़ करके लाया हूँ। एक डेढ़ घंटा लगाया मुझे सबको जुगाड़ करने में, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ है गुलशन, जिसका हाइट है 5'8" इसका हाइट है, और ये भी अच्छा, इसका हाइट परफेक्ट है, बट फिर भी मैं आप लोगों को कंपेयर करने के लिए इसको लेकर आया हूँ। फिर बंदा है मेरे पास दीपू, इसका हाइट है 5'10" इसका हाइट है, ठीक है। इसको भी बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट फिर भी हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हाइट कंपेयर दिखाने के लिए मैं इन सबको लेकर के आया हूँ। फिर मेरे पास थर्ड पर्सन है जो, वो है रोशन कुमार, जिसका हाइट है 5'1" इसका हाइट है। तो इसको भी मैं लेकर के आया हूँ कि दिखाने के लिए कौन सा कोई दिक्कत इसको भी बाइक चलाने में आता है कि नहीं आता है। फिर मेरे पास चौथा बंदा है संदीप, तो इसका हाइट है 5'2" इसका 5'2" हाइट है, तो इसको भी आज हम देखेंगे। और मैं खुद हूँ ही, मेरा हाइट है 5'5" ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि सारे बंदों का हाइट परफेक्ट इस गाड़ी पे, किस किस बंदों को दिक्कत आता है, क्या क्या दिक्कत नहीं आता है किस किस बंदे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको किस किस हाइट का बंदे चाहिए आप लोग को ये करने के लिए, हाइट को कंपेयर करें, तो आप लोगों को लगेगा कि हाइट का मैं ऐसे ही बस बोल दे रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मैं एक्चुअली मैं आज आपको सबका हाइट मेजर करके भी बताऊंगा कि किसका कितना हाइट है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले दीपू की बात करूंगा। दीपू इधर आओ, हाँ, कैप निकाल के आना, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि इसका हाइट कितना है, माइक पकड़ो, तो इसका हाइट कितना है, तो स्लीपर तुम निकाल दो और मैं एक लकड़ी का भी यूज़ करूँगा। लकड़ी से क्या होगा कि आपको अच्छे से सर पे रख के और हाइट मेजर कर सकते हैं। तो इसको फिंगर के नीचे रखो, ठीक है, और जैसे कि एकदम स्ट्रेट खड़ा होना। तो इसका हाइट जैसे कि आप देख सकते हो 5'10" है। तो मैं कैमरा मैन को बोलूँगा यहाँ पर ला के दिखाओ, इसका हाइट जो है 5'10" है, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो अच्छे से 5'10" है, ठीक है। तो इसका हाइट 5'10" है, तो यहाँ तक इसका मेजर किया, जैसे कि मैं बताया था इसका हाइट 5'10" था। फिर मैं इसका गुलशन का भी हाइट नापूंगा जो कि 5'8" था, ओके। तो इसको पकड़ना, तो इसको भी स्लीपर निकालो और इसका भी हाइट जो है, ये मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ कि इसका हाइट मेजर करके कितना इसका हाइट है, ठीक है। तो जैसे कि इसका हाइट आप देख सकते हो 5'8" है, यहाँ पर लाकर दिखाओ आप इसका हाइट, कैसे लकड़ी देख सकते हो 5'8" पे है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था इसका हाइट 5'8" था। और फिर मैं बुलाऊंगा रोशन को, रोशन तुम्हारा हाइट कितना है ये चीज़ देख लो, तो मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। तो इसका मैं हाइट आपको मेजर करके दिखा देता हूँ कि इसका हाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो 5'2" है, यहाँ पे आ जाओ, इसका हाइट दिखा दो, ये 5'2" पे इसका हाइट है, मतलब 5'1" के ऊपर है, तो मैं 2 को इसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। बात करूँगा संदीप का, तो इसका हाइट भी हम मेजर करेंगे। मैं आज सबको बोला था स्पेशली कि स्लीपर पे आने के लिए, क्योंकि हम स्लीपर को निकाल करके और तब हाइट मेजर करेंगे, जिससे कि अच्छे से पता चलेगा हाइट कितना है। तो ये थोड़ा अच्छे से दबा के रखो, हाँ, ठीक है। फिर इसका हाइट मैं आपको जैसे दिखाता हूँ 5'2" है, ठीक है। इसका हाइट जो है वो हाथ नीचे कर लो, इसका हाइट जो है वो 5'2" है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। और फिर मेरा भी हाइट जो है मैं आपको मेज़र कर लेता हूँ, मैं बोलूँगा गुलशन मेरा हाइट आप मेज़र करो, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना हाइट भी मेज़र करूँगा तो आपको दिखा सकता हूँ 5'5" पे मेरा हाइट होगा, ठीक है, 5'5" मेरा हाइट है, ओके। तो ये मैं आपको मेजर करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं वीडियो बनाने के लिए बस ऐसे ही कोई भी हाइट को वो करके, थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ, तो ये हाइट मैं मेज़र करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि हाइट एक्चुअल में इतना है। मैं ऐसे कोई वीडियो बनाने के लिए बस नहीं किया हूँ, तो एक्चुअल में हाइट इतना है। और जो अब फिर मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ कि किस किस जो भी हाइट के हैं, जो 5'1" है, 5'2" है, 5'5" है, 5'8" और 5'10" में पांच हाइट के बंदों को मैं आपको एक एक करके बाइक पे बैठाऊंगा और उसको दिखाऊंगा कि उनको क्या क्या परेशानियां आएगी बाइक पे चलाने में और क्या क्या परेशानी नहीं आएंगी। आरएस 200 बहुत ज़्यादा हेवी बाइक है, इसका जो अगर मैं ग्राउंड हाइट की बात करूँ तो 8.5 810 के 810 उसका एमएम का हाइट है,
जो जमीन से इसका हाइट है सीट का वो 810 mm हाइट है, ठीक है। तो 810 mm, और ये थाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका। अगर आपका थाई बहुत हेवी है, बहुत ज़्यादा आप जिम वगैरह करने वाले बंदे हैं और उसका थाई आपका बहुत ज़्यादा मोटा है, तो फिर आपको थोड़ा और हाइट छोटा हो जाएगा पैर नीचे जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे क्या हाइट होगा और किस किस बंदे को कितना परेशानी आ रहा है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोग को आसानी से पता होगा कि जिसको आसानी से चला सकते हैं। तो सबसे हाइट से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा दीपू को। दीपू आप आइए और बाइक पे बैठिए और इसको फिर हम कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कि इस पर कोई दिक्कत आता है कि नहीं। तो जैसे कि दीपू हमारे पास आ चुका है, तो अभी हम पहले इसका हाइट टेस्ट करेंगे कि इसका हाइट कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। तो दीपू तुम बाइक पे चढ़ो और स्टैंड ऊपर कर लो, स्टैंड ऊपर। जैसे मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप इसको नीचे से ला करके दिखाएं सामने से, क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है बाइक चलाने में। इसका दोनों साइड से जो है, दोनों साइड से आराम से चला जा रहा है इसका पैर। जैसे कि मैं नीचे से दिखाऊं, दोनों साइड से पैर बहुत आसानी से इसका ज़मीन पे आ जा रहा है और पूरा अच्छे तरीके से आ रहा है इसका पैर ज़मीन पे। तो इसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा बैक बाइक को पीछे करो, तो इसको बाइक भी पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और तुम ढलान में लेके जाओ, तो ये जितना भी नीचे जा सकता है और बाइक को आराम से ऊपर लेके आ सकता है। तो जैसे कि इसको हम लोग देख पा रहे हैं, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है बाइक इस RS 200 को चलाने में, क्योंकि इसका पूरा हाइट परफेक्ट है इसको। तो अब मैं कहूँगा दीपू आप उतर जाइए इस पर से, उसके बाद से हम नेक्स्ट बंदे को बुलाएंगे जो कि 5'8" है, 5'8" जिसका हाइट है गुलशन। तो इसको भी मैं बोलूँगा आप बाइक पर बैठे, बाइक पर बैठने के बाद आप स्टैंड उठा लो गुलशन। उसके बाद से मैं दिखाना, जैसे कि दिखाना चाहूँगा कि इसका भी दोनों तरफ से मैं सामने से बोलूँगा कि दिखाए कैमरे को, ठीक है। तो इसका भी हाइट बहुत अच्छे से आ जा रहा है। तो इसका भी दोनों साइड से जो है पैर आ जा रहा है, बहुत परफेक्टली आ जा रहा है। तो इसको भी बाइक चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। तुमको बाइक चलाने में कोई परेशानी इसको नहीं आएगा, क्योंकि हाइट तुम्हारा पूरा अच्छे से बैक कर सकते हो, ठीक है। इसको 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 भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि इसका हाइट अच्छे से एडजस्ट हो जा रहा है। तो इसका इनफेक्ट जो पीछे का, जो पैर के पीछे का होता है, वो भी अच्छे से आ जा रहा है पैर के जो रोड पे है। तो इसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ओके। अब हम बात करेंगे इसके बाद का जो पर्सन है उसको। तो अब हम बात करेंगे जो थर्ड पर्सन है इसके बाद, जो 5'2" संदीप को मैं बुलाना चाहूँगा, जिसका है हाइट 5'2". तो संदीप मैं बोलूँगा तुम इस पर बैठो, ठीक है। इसका 5'2" है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन होता है 5'2" पे। तो जैसे कि मैं बोलूँगा नीचे से दिखाए पूरा दोनों तरफ से, ठीक है। तो इसका जैसे कि आप देख सकते हो, स्टैंड उठा लो, स्टैंड लगाने के बाद इसको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जैसे कि है थोड़ा फिंगर बस इसको पैर में टच कर रहा है। अगर ये पीछे ले जाता है बाइक को, अगर बाइक को पीछे ले जाने के बाद से आगे लेकर आओ तुम बाइक को, ठीक है। तुम बाइक को आगे लेकर के आओ, तो इसको देखो, जैसे कि इसको आपको पता चल रहा है कि इसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि बाइक को आगे पीछे करने में, क्योंकि इसका पूरा पैर नीचे नहीं आ पा रहा है। तो थोड़ा सा परेशानी होगा, बट ये अगर कुल मिला के मैं बात करूँ तो ये बाइक चला सकता है, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, स्मूथली चला सकता है। बट जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा आएगा या फिर बाइक पीछे करने का नौबत आएगा, तो उस टाइम पे इसको थोड़ा सा परेशानी होएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चला सकते हो। थोड़ा पैर आ रहा है तो कोशिश करना कि गड्ढे वाले जहाँ एरिया है वहाँ पर आप बाइक लेकर नहीं जाओ। इसीलिए मैं ये 5'2" है, ठीक है। 5'2 के बच्चे चला सकते हैं गाड़ी, बट थोड़ा सा दिक्कत आएगा उनको आगे पीछे करने के टाइम पे, ओके। अब मैं बुलाना चाहूँगा जो सबसे कम हाइट का है, जो 5'1" है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। आ जाओ रोशन तुम यहाँ पे। तो जैसे इसका हाइट आप देख सकते हो 5'1" है, ठीक है। तो 5'1" का बंदा ये बाइक चलाते हो ना तुम? हाँ। तुम बाइक चला, ये नॉर्मल बाइक चला पाता है, बट ये भी बाइक चला सकता है, क्योंकि बाइक चलाना आना कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोई भी बाइक चला सकते हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आता है हाइट कम रहने से? आपको कहीं गड्ढा वगैरह पड़ता है तो वहाँ पर आप बैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा सा आगे पीछे करने के टाइम में दिक्कत आएगा, कहीं ट्रैफिक में आपको दिक्कत आएगा। तो इन सारी जगहों पर दिक्कत आता है हाइट कम होने की वजह से। तो मैं बोलूंगा रोशन तुम बाइक पे बैठो, ठीक है, और स्टैंड उठाओ, स्टैंड लगाओ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको नीचे से दिखाना। तो इसको जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक साइड का ये पैर रख पा रहा है अच्छे से, वो भी फिंगर, बाकी दूसरे साइड का थोड़ा सा टच कर रहा है इसको, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इधर उधर ये बॉडी इसका शेक कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाला है किस चीज़ में? बाइक को आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बाइक चलाता है, बाइक चला सकता है, कितना भी भारी बाइक को चला सकता है। लेकिन कहाँ पर दिक्कत आने वाला है? इसको आगे पीछे करने के लिए। जैसे थोड़ा आगे पीछे बाइक करो तुम, देखो, जैसे इसको प्लेन रोड पर भी बाइक को आगे पीछे करने में दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ पे इसको थोड़ा परेशानी करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ये बाइक चला सकता है। लेकिन वही है, तो जो भी बंदा है 5 फुट के आसपास में है या 5
टू तक है, वो भी चला सकता है बाइक को, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी होगा कि आपको बाइक को आगे पीछे करने में दिक्कत आएगा, और क्योंकि इसका ये बहुत तो मतलब ज़्यादा थीन है, ज़्यादा मोटा है नहीं, ज़्यादा जिम वगैरह करता नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आ रहा, फिर भी उसका पैर आ जा रहा है। लेकिन जो बंदा अगर जिम वगैरह जाता है, जो थोड़ा सा पहलवानी टाइप का करता है, उसका थाई जो होता है ना वो थोड़ा और मोटा होता है, तो थाई मोटा होने की वजह से आपका जो यहाँ पे है थाई आपको और ज़्यादा फैल जाएगा, तो थाई फैलने की वजह से आपका पैर और छोटा हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा जितना हाइट ज़्यादा है तो आपको और मोटाई मोटा, अगर आप हाइट है और मोटे हो तो आपको पैर जो है ना और नीचे कम पड़ेगा, क्योंकि आपका थाई पे जो है ये सीट पे आपका थाई रुक जाएगा। तो इसलिए हाइट अगर है और थोड़ा मोटे हो तो चलेगा, लेकिन छोटे हो और मोटे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा परेशानी आपको आने वाली है। तो यही चीज़ है। और जैसे कि मेरा हाइट है 5'5", तो मैं भी आसानी से बाइक चला पाता हूँ, तभी मैं ये बाइक को लिया हूँ। तो जैसे 5'2" 5'3" चला पा रहे हैं तो मैं भी चला सकता हूँ, ठीक है। और मेरा भी पूरा अच्छे से, जैसे कि मैं भी दिखा दे रहा हूँ, तो ये आप पकड़ लो, लगाओ स्टैंड लगाओ। देखो जैसे कि इसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है हर चीज़ में, और थोड़ा बाइक हेवी है तो इसकी वजह से और इसको थोड़ा परेशानी आ रहा है। जैसे कि इसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बाइक को उठाने में, बाइक को लगाने में, क्योंकि इसका हाइट कम है, तो चलाने को तो चला सकता है कोई भारी बाइक को, आप ZX 10R भी चला सकते हो, लेकिन वहीं पे है उसका थोड़ा हाइट और ज़्यादा होता है, और उसमें आपको थाई वगैरह भी बहुत मैटर करता है। तो मेरा भी हाइट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी आराम से मैं चला सकता हूँ, मेरे एक साइड का पूरा ला जाता है और एक साइड का थोड़ा सा आता है, तो फिर भी मैं आराम से बैक कर सकता हूँ। थोड़ा सा परेशानी होता है, बट उतना नहीं होता है मेरे को परेशानी, ठीक है, क्योंकि मेरा हाइट है 5'5", तो 5'5" थोड़ा सा पीछे जो एड़ी है ना वो बस उठता है हल्का हल्का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। जैसे कि मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेरा बस दोनों साइड से पैर आ जाता है, बस थोड़ा सा एक साइड से एक वाला पैर जो होता है ना उसका एड़ी हल्का सा उठता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बाइक को आगे पीछे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में, बहुत लोगों का जो है कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं हाइट जो है इतना है, कितना हाइट तक का बंदे RS को चला सकते हैं, कितना हाइट तक का बंदे RS को नहीं चला सकते, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आज के वीडियो में यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जो भी अपने के दोस्त जो प्लानिंग कर रहे हैं RS 200 को लेने के लिए, उसको आप बताओ कि किस किस हाइट का बंदे जो चला सकते हैं। मैं भी बाइक खरीदने से पहले बहुत कन्फ्यूजन में था कि मैं जो है और मेरा हाइट 5'5" है, तो क्या 5'5" का बंदा जो है इस बाइक को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, कौन सा हाइट का बंदा चला सकता है, तो ये सारे कन्फ्यूजन था। तो मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ देखा, फाइनली मैंने सोचा कि मैं एक बार वीडियो देखने के बावजूद मैं जाता हूँ एक बार शोरूम में जाने के बाद मैं हाइट टेस्ट करता हूँ खुद। जब तक मैं सामने से हाइट टेस्ट नहीं करूँगा तो थोड़ा सा एक मन में डर बना रहता है, जहाँ पर मैं 2-2.5 लाख रुपये लगा रहा हूँ, तो फिर अगर मेरे को प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा जो मैं यूज कर सकूँ अच्छे से, तो फिर वो सारा पैसा वेस्ट जाएगा। तो मैं जाके शोरूम में और हाइट अपना टेस्ट किया, उसके बाद ही मैं बाइक को फाइनल किया था। ओके, तो आज के वीडियो में यही है, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।